देखते हैं कि दोस्तों जैसे देखें अधिगम की विशेषताओं में हम देखते हैं कि अधिगम क्या है, एक सार्वभौमिक अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। देखिए जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये सार्वभौमिक है। फिर अधिगम लगभग क्या है, ये अस्थाई प्रकृति का परिवर्तन है। अधिगम क्या है, एक अस्थाई प्रकृति का परिवर्तन होता है और अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। ये अधिगम हम जब यानी कोई चीज सीखते हैं तो एक निश्चित प्रयोजना के तहत सीखते हैं। फिर देखिए अधिगम व्यक्ति को क्या करता है, समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करती है। यानी हम अधिगम जब कोई वस्तु सीखते हैं तो कहीं हम अपने नॉलेज को समायोजित कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं, तो वही चीज है। फिर देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला पॉइंट्स है कि अधिगम क्या है, विकास है। सही बात है दोस्तों, अधिगम होगा तो किसी में भी विकास हो सकता है। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। फिर देखिए अगला क्या है, तो अधिगम रचनात्मक है। अधिगम क्या है दोस्तों, रचनात्मक है, क्रिएटिविटी है। फिर इसी तरह से अधिगम क्या है, ट्रांसफर होने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम स्थानांतरणीय है। अभी हम लोग सीखेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण किस तरह से होता है, तो आगे देखेंगे हम लोग। फिर देखिए अधिगम अनुभवों का संगठन है, तो आपने ऊपर भी देखा कि अनुभव के द्वारा ही हम सीख पाते हैं, स्वयं का भी अनुभव हो सकता है, दूसरे का भी अनुभव हो सकता है। उसी तरह से अधिगम देखिए क्या है, तो अधिगम अनुकूलन है दोस्तों, अधिगम क्या है, अनुकूलन है। इसी प्रकार देखिए अधिगम क्या है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम वातावरण की क्या है, उपज होती है, वातावरण की उपज, यानी हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर वातावरण के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। फिर इसके बाद देखिए अधिगम क्या है, खोज परक है, यानी खोज के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। लास्ट है अधिगम क्या है, सो उद्देश्य है, यानी हम एक से अनेक उद्देश्य लिए सीख सकते हैं दोस्तों को। दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों देखिए अधिगम क्या है, तो अधिगम आचरण को प्रभावित करती है। स्वाभाविक सी बात है कि जो हम लोग सीखेंगे वैसा ही हम लोग व्यवहार करेंगे, तो अधिगम क्या है, आचरण को प्रभावित करती है। उसी तरह देखिए अधिगम विवेकपूर्ण और सृजनशील है। सृजनशील का मतलब क्रिएटिविटी होता है, हम कोई भी सीखते हैं तो विवेकपूर्ण अधिगम में विवेकपूर्ण और सृजनशीलता भी आती है। फिर अधिगम देखिए क्या है, क्रियाशील है। अगला अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, यानी जैसा वातावरण होगा उसी तरह से हम अधिगम कर सकते हैं। वातावरण अच्छा है तो हम अच्छा अधिगम करेंगे, यदि वातावरण खराब है तो हम अधिगम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आगे देखिए अधिगम व रुचि परस्पर संबंधित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।